लखनऊ सुपर जायंट्स ने रविवार को खेले इस सीजन के 37वें मैच में मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराकर इस सीजन की अपनी 5वीं जीत दर्ज की। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मुंबई की टीम सिर्फ 132 रन ही बना सकी और एक बार फिर मुंबई की खराब बल्लेबाजी उनकी हार की वजह बनी। हार्दिक और कुणाल के जाने के बाद टीम को अपने एकमात्र धाकड़ ऑलराउंडर किरण पोलार्ड से काफी उम्मीदें थी, मगर उन्होंने भी एक बार फिर निराश किया। लेकिन किसी भी मुंबई इंडियंस के फैन को ज्यादा दुख तब होगा जब उन्हें पता चलेगा कि पोलार्ड को आउट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुंबई के ही पूर्व खिलाड़ी कुणाल पांड्या थे। मगर कुणाल ने जैसे ही पोलार्ड को अपना शिकार बनाया, मैदान पर वो दिखा जो किसी ने नहीं सोचा था। पोलार्ड जैसे ही कुणाल की बॉल पर 20 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए, तभी कुणाल ने पोलार्ड को किस कर लिया। कुणाल ने डीप मिड विकेट पर दीपक हुड्डा के हाथों पोलार्ड को कैच आउट कराया। पोलार्ड सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए थे। आउट होने के बाद जब वो पवेलियन की ओर जा रहे थे, तभी कुणाल ने पोलार्ड का सिर चूम लिया। कुणाल की ये हरकत कैमरे में भी कैद हुई, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हालांकि पोलार्ड ने कुणाल की इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही पवेलियन की ओर चल दिए।